छत्तीसगढ़ बीजेपी ने की नई घोषणा। जी आप सभी को बताना चाहता हूँ इस वक्त की काफी अच्छी अपडेट के बारे में, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण जो है खुशखबरी, सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा आप सभी किसानों के लिए निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है बहुत ही बड़ी घोषणा जो है नई घोषणा आप सभी के लिए निकल के आया है, और आप सभी किसानों का बैंकों का जो है 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। जी हाँ, जितने भी किसान हैं जिनके बैंकों में काफी ज्यादा लोन है, जितने भी किसान हैं जिनके बैंकों में काफी ज्यादा कर्ज है, उन सभी किसानों का जो है बैंकों का लोन माफी जो है देखने को मिल पाएगा, उन सभी किसानों का बैंकों का जो है कर्ज माफी जो है देखने को मिल पाएगा। इसके अलावा जो है धान खरीदी जो है 3250 रुपए क्विंटल की दर से जो है धान खरीदी जो है होने वाला है। तो जितने भी किसान है आप सभी किसानों के लिए काफी बड़ी अपडेट, आप सभी किसानों के लिए सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। अब से जो है 3250 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जो है धान खरीदी जो है देखने को मिल पाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को जो है देखने को मिल पाएगा। देखो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काम किए जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए काम किए जाते हैं। और बीजेपी ने नई घोषणा की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काफी बड़ी अपडेट, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण मैनिफेस्टो, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। इसके अलावा बात करें तो धान खरीदी जो है 3250 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आप सभी को जो है धान खरीदी देखने को मिल पाएगा, जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को जो है देखने को मिल पाता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन डेफिनेटली बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, डेफिनेटली जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काम किया जाता है। तो बीजेपी ने नई घोषणा की है, और देखो अगर किसानों का बैंकों का 1 लाख रुपए तक का भी अगर कर्जा माफ हो जाता है तो काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि हर एक किसान चाहता है कि उसके बैंकों का कर्जा माफ हो पाए, हर एक किसान चाहता है कि उसके बैंकों का कर्ज माफ हो पाए, हर एक किसान चाहता है कि उसके बैंकों का जो है केसीसी लोन, उसके बैंकों का जो है केसीसी रेट जो है माफी हो पाए, क्योंकि किसान जो होता है वो बैंकों के लोन की वजह से ही, एक किसान जो होता है वो बैंकों के कर्ज की वजह से, बैंकों के केसीसी लोन की वजह से, बैंकों के केसीसी कर्ज की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, काफी ज्यादा उनको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, काफी ज्यादा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम, सब आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी परेशानी जो है फेस करना नहीं पड़ेगा। आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण अपडेट, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें निकल के आ रहे हैं, और आप सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी लोन, और आप सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी कर्ज माफी जो है देखने को मिल पाएगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो है देखने को मिल पाएगा। देखो किसी भी वादों को, किसी भी घोषणा पत्रों को, किसी भी मैनिफेस्टो को, किसी भी चीजों को पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन डेफिनेटली जो है निश्चित तौर पर आप सभी के लिए जो भी वादे जो बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जाते हैं, डेफिनेटली आप सभी के लिए जितने भी अपडेट्स आप सभी के लिए, डेफिनेटली जितने भी घोषणाएं पत्र जो निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है, वो कहीं ना कहीं जो है सबसे ज्यादा जरूरी, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। सो वक्त लगता है, टाइम लगता है किसी भी चीजों को, किसी भी वादों को, किसी भी घोषणा पत्र को फुलफिलअप करने में, लेकिन आप सभी से क्या हुआ हर एक वादा जो है पूरा हो पाएगा, और किसानों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हो पाएगा। अगर किसानों का बैंकों का अगर 1 लाख रुपए तक का भी अगर कर्जा माफ हो जाता है, अगर हर एक किसानों का बैंकों का 1 लाख रुपए तक का अगर बैंकों का लोन माफी हो जाता है, अगर हर एक किसानों का बैंकों का केसीसी कर्ज माफी हो जाता है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होगी, अपने आप में कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी, कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल पाएगा। देखो किसान जो होता है बैंकों में उनका काफी ज्यादा कर्ज होता है, किसान जो होता है जिनके बैंकों में काफी ज्यादा लोन होता है, तो उनमें से हर एक किसान जो है बैंकों के कर्ज की वजह से, उनमें से हर एक किसान बैंकों के केसीसी लोन की वजह से, उनमें से हर एक किसान जो है बैंकों के केसीसी कर्ज की वजह से काफी ज्यादा सफर करते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, काफी ज्यादा उनको जो है परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अब आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी परेशानी, अब आप लोगों को बिल्कुल भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। आप सभी के लिए जितने भी वादे किए जाते हैं, आप सभी के लिए जितने भी घोषणाएं पत्र, आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा
जितने भी मैनिफेस्टो जो निकाले जाते हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल पाएगा। सो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको भी पता है, लेकिन आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की गवर्नमेंट, आप सभी की गवर्नमेंट, आप सभी की सरकार है। तो जो भी वादे किए जाते हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं, जो भी घोषणाएं पत्र जो आप सभी के लिए किए जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन वो हर एक चीज आप सभी के लिए कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाते हैं, वो हर एक चीजें आप सभी के लिए कहीं ना कहीं मुमकिन हो पाते हैं। इसलिए मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और किसानों का 1 लाख रुपए तक का बैंकों का लोन माफ हो पाएगा, और आप सभी किसानों का बैंकों का जो 1 लाख रुपए तक का केसीसी लोन, और आप सभी किसानों का बैंकों का 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफी जो है देखने को मिल पाएगा, और ये बहुत बड़ी बात होगा। तो टाइम लगेगा किसी भी वादों को पूरा करने में, समय लगता है किसी भी मैनिफेस्टो को फुलफिल अप करने में, लेकिन आप सभी से किया हुआ हर एक वादा, आप सभी से किया हुआ हर एक मैनिफेस्टो जो है डेफिनेटली पॉसिबल हो पाएगा, डेफिनेटली जो है मुमकिन होने वाला है। तो इंतजार तो आपको जो है करना पड़ेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा। और 3250 रुपये जो है प्रति क्विंटल की दर से जो है धान खरीदी होने वाला है। अगर 3250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अगर धान खरीदी हो रहा है सभी किसानों से, अगर 3250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अगर धान खरीदे जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हर एक किसान चाहता है कि उसके बैंकों का कर्जा माफ हो पाए, हर एक किसान चाहता है कि उसके बैंकों का केसीसी लोन माफ हो पाए, हर एक किसान चाहता है कि उसके बैंकों का जो है केसीसी कर्ज माफी हो पाए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरी और ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल पाएगा। सो थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन डेफिनेटली आप सभी के लिए जो भी वादे किए जाते हैं, आप सभी के लिए डेफिनेटली जितने भी घोषणाएं पत्र, आप सभी के लिए जितने भी मैनिफेस्टो निकल कर आते हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाते हैं। तो इंतजार तो आपको जो है करना पड़ेगा, तो मेहनत आपको करना है, कोशिश तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप सभी के लिए इस वक्त की काफी बड़ी अपडेट है, बीजेपी ने काफी महत्वपूर्ण घोषणा की है, और किसानों का 1 लाख रुपए तक का बैंकों का जो है कर्जा माफ हो पाएगा, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। सो किसी भी वादों को, किसी भी घोषणा पत्रों को, किसी भी मैनिफेस्टो को फुलफिलअप करने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन आप सभी से क्या हुआ हर एक वादा पूरा हो पाएगा, और आप सभी किसानों का बैंकों का जो है केसीसी लोन माफ हो पाएगा, केसीसी लोन जो है माफ हो पाएगा। और ये काफी बड़ी अपडेट होगा, ये काफी बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए होने वाला है। तो बीजेपी ने नई घोषणा की है, और किसानों का 1 लाख रुपए तक का लोन माफी हो पाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा लोग होते हैं जो बैंकों के कर्ज की वजह से, काफी ज्यादा जो लोग होते हैं बैंकों के कर्ज की वजह से काफी ज्यादा सफर करते हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स, काफी ज्यादा दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी जो है नहीं हो पाएगा। आई होप वीडियो सबको जो है पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रख लेना, एंड जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच।